वो अपनी जिप ओपन करता है। भारत में लड़कियों को माता रानी का दर्जा दिया जाता है। नवरात्रि में हम कन्या पूजन करते हैं, पर इसी भारत में कुछ ऐसे दरिंदे भी हैं जो 2-5 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार कर कर उन्हें फेंक देते हैं मरने के लिए या मार ही देते। सुबह सुबह ही लड़ाई हो गई। सो वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली आज बहुत सारे लोग अष्टमी और नौमी सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि नौमी जो है कल सुबह 7 बजे तक ही है, तो मैं अभी आज ही मना रही हूँ। और अभी टाइम हुआ है 4:25 और डेट 24 अक्टूबर, और ठंड होनी स्टार्ट हो गई है, मतलब हमने तो फैन भी बंद कर दिया है। सो अभी मैं बाहर दिखाती हूँ और कुत्ते भी भौंक रहे हैं, बहुत ठंड लगती है यहाँ पीछे वाली बालकनी में। ये पेड़ ही पेड़ है और एक छोटा सा पार्क है। तो स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन से, मतलब डेली रूटीन तो नहीं कहूँगी क्योंकि अभी अष्टमी और नवमी जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं उसका खाना बनाना है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आज ही हरिद्वार जाना है। अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि दीपक मेरे साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो 2 दिन से बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रहे हैं कि मुझे काम है, मैं नहीं जा सकता। तो फाइनली मैंने बोल दिया कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं बच्चों को लेकर चली जाऊँगी। और दोनों देखो कैसे सो रहे हैं, इसने पिल्लो रखा हुआ है अपने ऊपर। सुबह सुबह खाली रोड को देखना इतना अच्छा लगता है भाई, और दिन में ये रोड पूरा ट्रैफिक का भर के चलता है। ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग जो है डन हो चुकी है। ये रखा कॉस्मेटिक बॉक्स, और ये रखिए 2 पैक। निधान छूट जा, आपको जाना है ना, जाना है मम्मा साथ, चलो खड़े हो जाओ जल्दी, गट्टू आपको छोड़ के जा रही हूँ मैं, जल्दी बताओ बेटा। उठ गया मेरा गुड्डा बेटा, ये जाने के नाम से उठ गया है, नहीं तो अभी तक 10 बार बेड पे ही लेट जाता। ये क्या लगाया है सारा मुंह, कैसे गंदा किया आपने? चोट लग गई। नहाने के बाद का काम सबसे पहला है पूजा करना, और मैं आपको ना अपनी खेतरी दिखाती हूँ कितनी अच्छी हो गई है। सो कृष्ण जी यहाँ सो रहे हैं, ये उनका बेड है, तो अब इनको हम उठाते हैं, इनको बात कराते हैं, पूजा करते हैं। इसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बोल रहा मेरी वीडियो नहीं बनाओ, मुझे सोना है। जय माता। और ये वाली ड्रेस जो है मेरी वन ऑफ द फेवरेट ड्रेस है। ये फिर से सोने वाला आधी नींद में। से हाय बाय। एंड दिस इज गट्टू। गट्टू इज वाचिंग टीवी इन द मॉर्निंग 5 AM। और दिस इज दीप्ति, आपकी अपनी दीप्ति व्लॉग। कुछ बनाया है, क्या बन रहा भाई? मैंने बना दिया, काले छोले बन गए हैं, और इधर आलू टमाटर की सब्जी बन गई है विदाउट ऑनियन, और यहाँ पर बन गया है हलवा। OMG. और बस पूरी की तैयारी। और ये क्या बना के रखा हुआ है? ओहो भाई देख लो, सफाई देख लो इस घर की। एक्चुअली क्या है, जो मसालेदानी हम यूज करते हैं उसमें से मैंने मसाले यूज नहीं किए हैं, क्योंकि हम भोग लगाएंगे, तो मैंने डायरेक्ट जो है पैकेट में से निकाल के यूज किया है। अभी मैं रख देती हूँ, पहले रख देती हूँ मेरे टॉपने से पहले। चलो अभी हम जा रहे हैं देखने बच्चे क्या कर रहे हैं, कृपया करके ढंग से सफाई करें, ढंग से भोग लगाए। मैंने बच्चे को नहला दिया है, मैं खुद नहा चुका हूँ, अपने कपड़े प्रेस कर लिए, कुछ काम करना है मेरे लायक। हाँ मैं बताती हूँ, ये डब्बे जो है ना कंजक को देने के लिए मैंने यहाँ वॉश करके रख दिए हैं, आप इनको पोंछ लो और एक नारियल छिल लो। क्या कह रहे हैं भाई? ये कौन से बर्तन साफ हो रहे हैं? आपने कहा अच्छे से रख के साफ करो, तो देखो आपके शक्ल दिख रही है इसमें, ढंग से काम करता हूँ। ये सारे हो गए साफ? यस। जरा प्लीज ये टेबल भी पोंछ दो। क्या हुआ रिधांश, भूख लग गई आपको? हाँ। इतनी सुबह सुबह? तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए हमने जो है बॉक्सेस में पैक कर दिया है कंजकों के लिए खाना, और ये 9 कंजक के लिए हो गया है, और वो 10वें लड़के के लिए हो गया है। गट्टू को भूख लगी, गट्टू भी क्या था इसके पेट में चूहे कूद। सो GoPro और GoPro का चार्जर ले लेते हैं, यहाँ पे बैटरी चार्ज हो गई, और ये वाला चार्जर भी ले लेते हैं। अबे रहने दे, क्या कर रहे हैं? अच्छा लग गया, बहुत सारा लग गया, रहने दे। सो गाइस फाइनली हम निकल तो चुके हैं, और गट्टू ये बैठा पीछे, पर हमेशा कुछ तो भी ढूंढता रहता है ये। तो अभी जो है सबसे पहला टारगेट हमारा लड़कियों को ढूंढने का है, ताकि जो है हम कंजक का सामान उन्हें दे सके। अभी केला खाना है क्या आपको सुबह सुबह? ओ वाओ कितनी सारी कंजक मिल गई। चलो यहीं कहीं से साइड लगा लो। जय माता दी बोलो पहले। जय माता दी, जय माता दी।
बोलो जय माता की। जय माता की। रुको बेटा, सबको मिले ना, रुक जाओ, चल जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, चल बता ना करो सर। क्या नाम है तुम्हारा? सारा। तुम्हारा? कोमल। तो सारे बोलो जय माता दी। नहीं आ रही। जय माता की। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंसान जो है रेडी नहीं था जाने के लिए, बट इसको लगा कि हम चले जाएंगे फाइनली अब, तो ये भी रेडी हो गया है। सो वी ऑल आर गोइंग टू दी, कहाँ जा रहे हैं? तो गाइस, मेरा व्लॉग है अधूरा रह गया था। कन्या पूजन करने के बाद हम लोग निकल गए थे दिल्ली से हरिद्वार के लिए। तो बस मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज कन्वे करना चाहूँगी अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, कि एक तरफ तो हम कन्या पूजन करते हैं और दूसरी तरफ देश में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो 2-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करके उन्हें फेंक देते हैं मरने के लिए। तो अब मैं एक छोटा सा अपना, थोड़ा बच्चा चीखेंगे तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करना। तो मैं थोड़ा सा आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं 10th क्लास में थी, तो वैसे हमारे स्कूल जाने के लिए वैन लगी हुई थी, पर जब 10th क्लास और 12th क्लास में एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी तो उस टाइम पर वैन वाले भैया नहीं आते थे, तो हमें अपने पर्सनल कन्वेंस से या खुद से जाना होता था स्कूल। तो हम लोग जाते थे बस से, क्योंकि पापा के पास स्कूटर था और गाड़ी थी नहीं वो टाइम पर, तो और पापा जॉब करेंगे या हमें स्कूल छोड़ के आएंगे, तो हम लोग जो है बस से जाया करते थे। 4-5-7-10 लड़कियों का ग्रुप हो जाता था और हम स्कूल तक जाते थे और फिर वापस क्लासेस लेके घर आ जाते थे। तो हुआ क्या कि बस में एक बंदा चढ़ता है और मैं ऐसे बैठी हूँ विंडो वाली सीट पर, जो है मेरी एक फ्रेंड बैठी है, तो एक बंदा आके यहाँ ऐसे खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद जो है वो अपनी ज़िप ओपन करता है और ज़िप ओपन करने के बाद वो कुछ हरकतें स्टार्ट कर देता है। वो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल और डीपली नहीं बता सकती हूँ। उस मेरे और उस बंदे के बीच में जो गैप रहता है वो करीब करीब इतना रहता है, और उसने वो मेरे आगे वाली सीट का ऐसे वाला जो हैंडल होता है बस में, वो पकड़ा हुआ था। उसके बाद जैसे ही मेरी नज़र उस बंदे पर गई तो मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैं ये चीज़ मेरी साथ बैठी हुई फ्रेंड को भी नहीं बता सकी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी नज़रों को कहाँ घुमाऊँ, इनको नीचे करूँ, फ्रेंड की तरफ करूँ, इधर तो मेरी नज़रें जा ही नहीं सकती थी। तो बहुत डर गई मैं उस किस्से से। अब हम लोग बस से उतर कर, फिर मुझे वो टाइम पर ठीक लगा अपनी आंखें बंद करके ऐसे नीचे कर लेना, और मैंने डर के मारे अपनी आंखें तब तक बंद रखी जब तक मेरा स्टॉप नहीं आ गया। जब मेरा स्टॉप आया, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि चलना नहीं है, उतरना नहीं है, तो डर के मारे जैसे ही मैंने आंखें खोली तो वो बंदा वहाँ से जा चुका था। अब वो चीज़ मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठ गई, हालांकि उस बंदे ने मुझे टच नहीं करा, मेरे से गैप मेंटेन था, पर फिर भी उसकी एक छोटी सी हरकत मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई कि कई हफ्तों तक वो मेरे दिमाग में घूमती रही। मैं कहीं ना कहीं डरने लगी और अकेले रहने लगी। कुछ दिन बीते, बड़ी हिम्मत करके जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने उसे वो किस्सा शेयर किया। बेटा ये टूट जाएगा, आप लोग उधर जाके खेल लो ना, जाओ बेटा जाओ, गो फिर मारा तू, मारना नहीं है, लड़ाई नहीं, नो फाइटिंग, गो। उसके बाद लंच टाइम पर मेरी फ्रेंड ने वो किस्सा सब ग्रुप में शेयर किया। जब ग्रुप में शेयर किया तो एक्स्ट्रा क्लासेस ही चल रही थी, उसी का लंच ब्रेक था, तो कुछ गर्ल्स ने बताया कि वो बंदा उनके पास भी गया था और उनकी सीट पर जाकर भी उसने सेम हरकत करी थी। फोन में भी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि इसमें रिवर है और हो सकता है रिवर का नॉइस आए, तो मेरी वॉइस क्लियर ना है। गाइज़, मैं यहाँ पर आपको सोशल प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ बताकर कोई सिंपथी नहीं गेन करना चाहती हूँ, बट मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है उससे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हम बचपन में होते हैं या टीन एज में होते हैं, हमारे साथ अगर कोई इस तरह का बैड एक्सपीरियंस होता है या बैड टच होता है, तो वो कई महीनों तक, सालों तक जो है हमारे दिमाग पर असर डालता है। और बस पेरेंट्स के लिए मैं एक यहाँ पर एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी
कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज़ भी हैं, तो आप उनकी अपब्रिंगिंग जो है इस तरीके से करिए कि उनके साथ अगर कुछ इस तरह का बैड होता है तो वो आपको शेयर करें। अगर बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, आप पार्क में जा रहे हो या परचून की दुकान पर जा रहे हो या वैन वाले भैया हैं या स्कूल में कोई टीचर है या ट्यूशन में कोई टीचर है, अगर इस तरह का कुछ होता है तो एटलीस्ट आप किसी को वो शेयर करिए ताकि वो चीज़ आपके पेरेंट्स तक पहुंच सके। सो एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर जो भी बंदा है अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है, अगर उसकी हरकतें शुरू में ही स्टॉप हो जाती हैं तो मे बी काफ़ी हद तक चीज़ों को रोका जा सकता है। पर अगर हम डरते हैं, बताते नहीं हैं अपने पेरेंट्स को या शेयर नहीं करते उनसे चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उस बंदे को इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा शेय मिलती है और बाद में जाके इसके जो परिणाम होते हैं बहुत ही घातक होते हैं। सो बस यही मैसेज आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ। तो बस अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ पर्सनल कोई बैड एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं रिलीफ मिले इस चीज़ से। और बाय, टेक केयर, लव यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना।